हेलो फ्रेंड्स आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है तो देखिए चौबीस मार्च से चौबीस मार्च से इंटर और मेट्रिक का फाइनल एग्जाम होने वाला है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सोलह अप्रैल को एग्ज़ाम है मेट्रिक के लिए मैथ है वहीं पर इंटर के लिए देखिए साइंस में बायोलॉजी इंटर कॉमर्स में बिजनेस मैथ और वहीं पर इंटर कला में सोशियोलॉजी की परीक्षा निर्धारित है सोलह अप्रैल को तो देखिए सोलह अप्रैल से पहले एक दिन पहले गुड फ्राइडे है और गुड फ्राइडे में उपवास किया जाता है देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है चालीस दिन का महा उपवास किया जाता है तो इसमें हो सकता है बच्चों को प्रॉब्लम हो एग्ज़ाम देने में तो इसी को लेकर एक अपडेट आ रहा है तो चलिए उसका हम लोग देख लेते हैं मैट्रिक और इंटर परीक्षा की तिथि में फेर बदल करने की मांग को लेकर विधायक भूषण बाड़ा और विधायक विकसल कुड़ी ने शिक्षा मंत्री को सौंपा ज्ञापन देखिए नीचे हम लोग पढ़ते हैं सिमडेगा कोलिबुरा विधायक नमन विकसल कोंगारी और सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा ने सोमवार को सूबे के शिक्षा मंत्री जगनाथ महतो को ज्ञापन सौंप कर यहाँ पर सौंप कर होगा जेक बोर्ड द्वारा आयोजित मैट्रिक और इंटर की परीक्षा की तिथि में फेरबदल करने की मांग की है अपने ज्ञापन में दोनों कांग्रेस विधायकों ने कहा है कि ईसाई समुदाय का इन दिनों चालीस दिन का महाोपवास चल रहा है जिसके बाद गुड फ्राइडे एवं एस्टर का पर्व अत्यंत पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्यौहार है लेकिन गुड फ्राइडे एवं ईस्टर के बीच 16 अप्रैल को जैक बोर्ड की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा की तिथि घोषित की गई है 16 अप्रैल को मैट्रिक में गणित विषय और इंटर में साइंस में बायोलॉजी इंटर कॉमर्स में बिजनेस मैथ इंटर कला में सोशियोलॉजी की परीक्षा निर्धारित है जबकि ईसाई समुदाय का बड़ा त्यौहार होने से ईसाई समुदाय के विद्यार्थी मानसिक रूप से परेशान है वहीं ईसाई समुदाय के शिक्षक भी काफ़ी परेशान हैं जिसको देखते हुए परीक्षा की तिथि में फिर बदल करने की मांग की है यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है फेरबदल करने की मांग की है बस अभी मांग किया गया है कन्फर्म फेरबदल नहीं हुआ है इस बात को आपको ध्यान में रखना है अगर देखिए जिस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है यहाँ सभी धर्म के लोग सभी पर्व त्यौहार को मिलजुल कर मनाते हैं एवं उन्होंने कहा कि परीक्षा की तिथि में फेरबदल कराया जाएगा यहाँ पर देखिए फेरबदल कराया जाएगा लिखा हुआ है सबसे पहले आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि मांग की गई है और जगन्नाथ महतो ने हमारे शिक्षा मंत्री ने कहा है कि फेरबदल किया जाएगा यानी कि कराया जाएगा तो पॉसिबिलिटी है कि चेंज हो जाए सोलह तारीख के लिए बस सोलह अप्रैल का जो एग्ज़ाम है वही बस चेंज हो सकता है तो बस यही वीडियो आप लोगों को बताना था कि फेरबदल किया जा सकता है आप लोगों का सोलह अप्रैल को जो एग्जाम है उसको लेकर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और अभी तक तो आप मेरे चैनल को एच डी एस ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दें ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो हैव ए गुड डे